नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। जोगबनी से आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन को अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर जोगबनी में आयोजित फ्लाइंग होस्टिंग कार्यक्रम में अररिया और पूर्णिया सांसद ने रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जोगबनी से सुबह 9 बजे खुलकर अगले दिन आनंद विहार स्टेशन पर शाम 4 बजे पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से 18 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आनंद विहार जोगबनी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन संख्या 04009 चलाई जाएगी। इस दौरान ट्रेन 4 बार आनंद विहार से और 4 बार जोगबनी से परिचालित होगी। दिवाली और छठ के मद्देनजर पूर्वी सीमांत रेलवे के सौजन्य से यह ट्रेन चलाई जा रही है। मौके पर जानकारी देते हुए अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन को नियमित रूप से चलाए जाने को लेकर रेलवे बोर्ड को पत्र सौंपा गया और उनसे मांग की गई कि पूजा स्पेशल ट्रेन को नियमित रूप से जोगबनी से कटिहार रेलखंड से चलाई जाए, जिससे सीमांचल समेत नेपाल के यात्रियों को सहूलियत मिल सके। आनंद विहार यह एक ट्रेन आज शुरुआत किया गया है। ऐसे तो यह टेम्प्रोरी कह के शुरुआत किया गया है, परंतु यह ट्रेन रेगुलर चलेगा। आने वाला समय में यह ट्रेन कंटिन्यू होगा और इससे भी बढ़िया ट्रेन का व्यवस्था एक और करने के बाद चल रही है। लगातार इस इलाके में रेल लाइन का विस्तार हो रहा है। यहाँ वाशिंग पिट का काम होना है। अभी पटना जाने का कोई ट्रेन नहीं है। इंटरसिटी भी आगे यहाँ से पटना राजधानी के लिए एक ट्रेन का प्रयास है कि वह अभी चलने वाली है। तो निकट भविष्य में आपको बहुत ऐसी ट्रेनें हैं जो आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे अम्रपाली कटिहार से दिल्ली जाती है, वह यहाँ से चलेगी जोगबनी से। तो इस तरह का ट्रेनों का बहुत काम है। यहाँ बथनाहा से नेपाल विराटनगर एक ट्रेन, वह भी करीब करीब पटरी सब चालू हो गया है। अब उनको जल्दी हरी झंडी हमारे प्रधानमंत्री जी दिखाने वाले हैं। तो कई काम है ट्रेन का जो अभी यहाँ पर विस्तार होगा और अररिया जिला रेल का हब बनेगा। जैसे अररिया टू सुपौल, अररिया टू गलगलिया या फारबिसगंज से सहरसा, जो बड़ी लाइन में परिवर्तन होना था वह काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा था, परंतु लगता है कि अगले माह दिसंबर तक फारबिसगंज से सुपौल भी सहरसा भी चालू हो जाएगा।